Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6. प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग मीडियंस. यानी इसमें स्टूडेंट हमने ये मान लिया कि ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और एएम और पीएन इसकी मीडियंस हैं. एएम और पीएन क्या है स्टूडेंट? मीडियन है. तो मीडियन का मतलब ये है कि बीएम और एमसी इक्वल होगा, क्यूएन और एनआर इक्वल होगा. ये स्टूडेंट्स मीडियन है, तो इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे कि ये हो गया स्टूडेंट्स ऐसे. ये एएम और पीएन इसकी मीडियंस हो गई. अब ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट दिखाई दे रहा है लेकिन ये इसको हम परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे क्योंकि उसने कहा है कि ये केवल मीडियन है. तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें चलेंगे. अब स्टूडेंट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके ट्रायंगल के सिमिलर होने से हमें क्या बेनिफिट है इसमें? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये स्टूडेंट्स इनकी करस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा. तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. तो इन दो साइड के स्टूडेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होगी. क्यों रिक्वायरमेंट होगी? चूँकि इस वाले ट्रायंगल को हम इस वाले ट्रायंगल के पहले सिमिलर शो करेंगे. इस आधे ट्रायंगल को यानी इस छोटे ट्रायंगल को ए बी एम और पी क्यू एन इन दोनों को हमें सिमिलर करना है स्टूडेंट. तो उसके लिए इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी. अब ये दोनों क्यों इक्वल हैं? चूँकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल होगा स्टूडेंट किसके? पी क्यू आर की. ये गिवन है हमें. अब जिन दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है उन ट्रायंगल को हम ले लेंगे. तो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, तो इसमें देखिए हमें ये ट्रायंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स इक्वल होंगे. एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? चूँकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की. ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं. तो अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और ये हमें यहाँ पहले से गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. अब स्टूडेंट्स चूँकि ये मीडियन है, ए एम क्या है? ए एम मीडियन है स्टूडेंट्स. तो जब ए एम मीडियन है तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा टू बी एम. जब ये मीडियन है तो बी सी की वैल्यू टू बी एम हो जाएगी. और सिमिलरली क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू क्यू एन. तो ये वैल्यू स्टूडेंट उठा करके यहाँ हमें रख देना है. तो ये हो जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू टू बी एम अपॉन टू क्यू एन. अब स्टूडेंट्स बी एम टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमें मिल गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन. और इनके बिटवीन एंगल, ये स्टूडेंट्स एंगल पता चल गया. ये देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और इस साइड का इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो. तो अब ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एन. अब ये हो जाएगा वाई एस ए एस सिमिलैरिटी. ये स्टूडेंट्स एस ए एस सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. अब जब ये सिमिलर होगा स्टूडेंट्स तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन. अब स्टूडेंट्स इधर जो हमें मिला था ये चीज़ या यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड. तो अब ये हो जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स के बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। अब स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये होगा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। चूँकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो स्टूडेंट किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने ये प्रूफ कर दिया कि बी सी अपॉन क्यू आर के प्लेस पर हम लिख सकते ए एम अपॉन पी एन, तो इसके प्लेस पर हम ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा ए एम अपॉन पी एन का स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था, तो यही इसका प्रूफ है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आपकी समझ में आएंगे। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 6.3। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगनल्स। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है बी सी ई और इसके डायगनल पर जो ट्रायंगल बना है वो है बी एफ डी। अब स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रायंगल के एरिया में ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। देखिए सिंपल सी बात है कि जो साइड पर बना ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल उसका एरिया कम होगा और जो डायगनल पर बना होगा, चूँकि डायगनल साइड से बड़ा होता है स्क्वायर की, तो इसलिए डायगनल पर जो एंगल बना है उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो इसलिए एरिया ट्रायंगल बी सी ई यानी साइड पर बना जो एंगल है उसका एरिया डायगनल पर बने ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। तो ये स्टूडेंट्स अब इसमें देखिए ध्यान से, अब इसको सिमिलर करना स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करना बहुत इजी है क्योंकि हमें पता है कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल बी सी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और ट्रायंगल बी डी एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स ईच एंगल ऑफ आ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो अब स्टूडेंट जब ईच एंगल 60 डिग्री दोनों के 60-60 हैं तो इसलिए ये ट्रायंगल जो बी सी ई है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी एफ के बाई ए ए सिमिलैरिटी, ए ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो का स्क्वायर है वो इक्वल होगा। तो अब स्टूडेंट्स एरिया ट्रायंगल बी सी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी एफ इज इक्वल टू, तो अब इनकी साइड इस तरीके से हमें लेना है स्टूडेंट कि एक में आ जाएगा, एक में साइड आ जाए और एक में आ जाए डायगनल, तो डायगनल इसका बी डी है तो बी सी अपॉन ये आ जाएगा बी डी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें ये रिलेशन देखिए हमें पता है कि डायगनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इंटू रूट टू। डायगनल ऑफ अ स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट वो होता है साइड इंटू रूट टू के इक्वल, तो जो डायगनल ऑफ अ स्क्वायर है ये साइड रूट टू है। तो अब स्टूडेंट डायगनल क्या है देखिए, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी रूट टू, तो बी डी के प्लेस पर बी सी रूट टू रख दीजिए
तो ये देखिए ये आ जाएगा बी सी अपॉन बी सी रूट टू का होल स्क्वायर। अब बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1/2। तो यही हमें देखिए प्रूफ करना था कि एरिया ट्रायंगल बी सी ई, एरिया ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल टू 1/2। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सो ये आ जाएगा स्टूडेंट कि एरिया ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्रायंगल बी डी एफ। तो इस तरीके से इसको स्टूडेंट करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है कि ट्रायंगल एबीसी एंड बीडी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड बीडी फाइंड करना, चार ऑप्शन है स्टूडेंट, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए तो इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है ये एबीसी और स्टूडेंट्स डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल बन रहा है बी डी ई, तो इसको यहाँ हम स्टूडेंट इस तरीके से मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई। अब ये हमें दिखाना है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो, अब ये दोनों स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये स्टूडेंट्स दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। और अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया कि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा बीडीई के। अब स्टूडेंट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा स्टूडेंट कि बी सी स्क्वायर अपॉन, ये देखिए ये साइड हो गई बी सी और ये इसकी साइड हो जाएगी बी डी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो कहीं भी कुछ लिख सकते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट बी सी बी डी स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स हमें पता है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ये पता है कि डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन टू, या हम ये लिख सकते बी सी इज इक्वल टू टू बी डी। तो अब स्टूडेंट यहाँ बी सी की जगह पे हम टू बी डी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टू बी डी का स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा फोर बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर, तो ये बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गए तो 4/1 आंसर आ गया स्टूडेंट। तो जो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई है तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 4:1, यानी इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, तो स्टूडेंट जो साइड का रेशियो है, साइड का जो रेशियो है वो दिया है 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स, अब इनके हमें एरिया का रेशियो निकालना है, तो ये स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके कि एरिया ट्रायंगल कोई भी मान लीजिए, हमने एरिया ट्रायंगल यहाँ ए बी सी लिख दिया और यहाँ हो गया एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अब स्टूडेंट्स ये साइड के रेशियो जो है वो दिया है 4/9, तो इसका स्क्वायर हो जाता है तो ये आएगा 16/81। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से हमें करने थे।